हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जेसी व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग आल्सो। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं 7:45, मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के कुछ काम हो चुके हैं। अब रह गया मेरी चाय का काम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिसके बगैर मेरा कोई और फिर काम होता नहीं है। तो बस अभी चाय बनाने चलते हैं। और ये स्वच्छ भारत वाले आ गए हैं, पहले इनको अटेंड करके आए, वरना छोड़ के चले जाएंगे हमारा सारा स्वच्छता घर में। तो जी, मॉर्निंग के काम शुरू हो चुके हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। मेरे पर्दों का तीसरा लॉट भी धुल चुका है, क्योंकि मैं वाइट वॉश का ही वेट था कि ये हो जाए तो मैं लास्ट पे उतारूँगी। तो मैं कल रात शायद यही काम कर रही थी, तभी वो घड़ी वड़ी सब उतरी पड़ी थी, तो मैं ये आज कर चुकी हूँ। रात को मैंने धो के डाल दिए थे, बस अभी सुबह उठ के इनको मैंने बाहर डाल दिया है। और आज आने वाले हैं आशी के दादी दादू, तो आशी भी बड़ी एक्साइटेड रहेगी। वैसे तो उसको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर आप हो तो अच्छी बात है, नहीं चले गए तो वो पूछेगी भी नहीं किसी को भी, इवन वो मनीष को भी नहीं पूछती है। कल मनीष गया हुआ था काम से, तो उसने पूरे दिन एक बार में नहीं पूछा पापा कहाँ है, वेयर इज़ पापा। हाँ मम्मा, वेयर इज़ स्कूटी, वेयर इज़ कार, मम्मी लेट्स गो स्कूटी, लेट्स गो कार। अपने मतलब की चीज़ आ जाती है बच्चों को तो बस। हाँ पर कोई आ जाएगा तो फिर वो बड़ी खुश हो जाती है देख के कि चलो कोई आ गया है करके। तो बस चलो भैया, अब चाय वाय बनाते हैं, 8 बजने लग गए हैं, बाकी कार्यक्रम शुरू किया जाए। वाइट वॉश वाले भैया भी आने वाले होंगे, क्योंकि अभी बाहर का हमारे यहाँ जो चल रहा है उसका आज डबल कोट होना है, तो ऑलमोस्ट आज ही डन हो जाएगा। और आपको एक सबसे फ़नी चीज़ दिखाती हूँ फिलहाल, ये देखो फ्रेंड्स, ये लास्ट वीकेंड इसी हालत में हमने छोड़ा था, और ये फ़िलहाल अभी भी इसी हालत में है। हमारे यहाँ किसी को फुर्सत नहीं हुई इसको करने की। भाई लेबर आदमी जैसे यहाँ दिहाड़ी नहीं मिल रही, उसने काम बंद कर दिया, उसने कहा भाई मुझे वीकली जहाँ पैसा मिलता है पहले मैं वो काम करूँगा, उसके बाद इसे स्टार्ट करूँगा। तो हो सकता है आज इसका भी नंबर आ जाए। सर्दियों की चाय में जो ये धुआं उठता है ना भाई, इसका अलग ही मज़ा है। सर्दियों की चाय का है ही मज़ा अलग, चाहे सुबह की हो, चाहे दोपहर की हो, चाहे शाम की हो। और वैसे हरिद्वार में ठंडा हो गया है, अब मेरे हिसाब से तो हो ही गया भाई, जिन्हें नहीं लगता नहीं लगता, बट है ठंडा। मॉर्निंग और इवनिंग में तो ठीक ठंडा है, यहाँ पे बाहर निकले तो अच्छा ठंडा है, मतलब श्रग वगैरह आपको कुछ तो फुल स्लीव्स अच्छा सा ठीक सा पहनना पड़ेगा। यहाँ पे आंटी लोग ना स्वेटर पहनने लग गए, परसों ना मुझे बहुत ठंडा सा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ये श्रग सा दिन में ही पहन रखा था, तो मैं बाहर खड़ी थी, तो मैं मनीष को बोलती हूँ यार ठंडा वाकई में हो गया, सब लोग ना स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। तो बोलता है कौन पहन के घूम रहे हैं, तो मैंने कहा ये आंटी है और एक वो आंटी है, सब स्वेटर पहन रहे हैं और मुझे भी पहन रखा है। कहता है आवाज़ होती तू भी ना किन के साथ कंपेयर कर रही है ना, मतलब वो 70 ईयर्स के, उनको तो ठंड लगना वाजिब है, तुझे भी अभी से ठंड लेने लगी, तेरी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। फिर मैंने सोचा हाँ यार मेरी एज ग्रुप में तो मैं यहाँ लोगों को नहीं देख रही, पर ठीक है यार अपने अपने की बात है, अपने को लगती है ठंड तो लगती है, अपने को गर्मी लगती है तो गर्मी लगती है, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, ठंडा है देखो ठंडा है। सो फ्रेंड्स, मैं ना अभी कुछ काम कर रही थी थोड़ी देर पहले, जब चाय पी रही थी तो मैं ऐसे ही अपने ब्लॉग्स नोटिस कर रही थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं लास्ट 10 डेज से रेगुलर डेली ब्लॉग्स डाल रही हूँ। तो मेरे लिए तो अचीवमेंट ही है कि मैं 10 डेज से रेगुलर ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि जो पॉसिबल हो नहीं पाता डेली ब्लॉगिंग, वैसे भी काफ़ी सारे काम रहते हैं घर के, फिर ब्लॉग को एडिट वगैरह करना, अपलोड करना। तो मैंने कहा यार क्यों ना अभी मैंने 10 डेज किया है, तो क्यों ना मैं खुद को एक चैलेंज दूँ कि मैं 30 डेज तक इसको कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा एक खुद के लिए चैलेंज रहेगा कि मैं 30 डेज डेली ब्लॉगिंग कर पाऊँगी कि नहीं, तो आप भी देखना अगर आपको लगता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 30 डेज पूरे करूँ, एटलीस्ट 30 डेज ट्राई कर रही हूँ। अभी 10th डे ऑलरेडी हो चुका है, आज मेरा 11th डे रहेगा, तो अभी मेरे को कितने 19 डेज और करने हैं, तो होपफुली मैं कर पाऊँ। तो आज मैं अपने आप को खुद को ये चैलेंज दे रही हूँ कि मैं 30 डेज डेली व्लॉगिंग चैनल डेली व्लॉगिंग कर पाऊँ। एक तो कंटिन्यूस बोलने में बड़ा ही बड़ा फंबल होता है, बड़ा फंबल होता है, बोलते बोलते भूल ही जाती हूँ मैं कई बार कि मुझे क्या कहना था और मैं क्या बोल गई हूँ, पर फिर मैं ज़्यादा एडिट नहीं पाती यार, ठीक है जो नॉर्मली निकल रहा है निकल रहा है, कोई स्क्रिप्ट थोड़ी है मेरे पास में कि मैं जो पढ़ रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ, जो मुंह में है जो दिमाग में है वो निकल जा रहा है, वो अलग बात है कुछ ज़्यादा गलत निकल जाए तो करना पड़ता है, बट नॉर्मली। सो मैं आज यही कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं 30 डेज तक डेली व्लॉगिंग करूँ, और ये मेरा अपने आप के लिए चैलेंज है कि मैं 30 डेज कर लूँ एटलीस्ट
एज अ बिगनर. लोग करते हैं यार, लोग साल भर भी करते हैं, तो मतलब दे माइट नॉट हैव अदर टास्क ऑल्सो, दे माइट डूइंग दिस लाइक फुल टाइम वर्क. सो मेरे पास तो मेरा फुल टाइम वर्क है जो अभी सो रहा है. तो ये तो मैं बीच बीच में टाइम निकाल निकाल के कुछ कुछ करती रहती हूँ, तो ये मेरा वो काम है. तो मैं वही सोच रही हूँ, मैं 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ खुद से, खुद के लिए. कभी कभी लाइफ में ये भी करना पड़ता है ना, अपने लिए खुद चैलेंज बनाओ यार. बाहर से आके कौन देने वाला है, बाहर से आके तो लोग काम ही देने वाले हैं जो हम कर रहे होते हैं, जो हमें डेली करने ही होते हैं. तो ये भी है, जैसे लोग फिटनेस पे अपने लिए चैलेंज बनाते हैं कि मैं यार 30 दिन ये करूँगा, मैं 30 दिन ये नहीं खाऊँगा, 20 दिन ऐसे करूँगा, 21 दिन फलाना करूँगा. तो हम ब्लॉगिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, थोड़ी बहुत वॉक ही करते हैं. और हाल फिलहाल तो वो भी बंद पड़ी जब से वाइट वॉश शुरू रखी है, जगह ही नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, अशोरी होती है, तो वो भी बंद है फिलहाल. तो जो थोड़ा बहुत घर में ही चलते फिरते रहते हैं बस, इसीलिए. तो आज हम शुरू करेंगे 30 डेज डेली ब्लॉगिंग चैलेंज, मेरे साथ बने रहिएगा. थैंक यू. अच्छा, हमारे गेट का पेंट हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा जो स्पेशल लेबर पार्टी था ना, वो आज लग गया है, वीकेंड है ना. बाकी दिन तो उसको बेचारे को दिहाड़ी मिल रही थी ना अपनी, आज की दिहाड़ी बनाने के लिए वो यहाँ लग गया है. तो आज अपना काम होपफुली कंप्लीट कर दे, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसको ऐसे लगे लगे. और उन अंकल की बात भी सोच होने वाली है ना, जिन्होंने बोलता बेटा दिवाली तक तो कर ही दोगे. वो दिवाली आ ही गई है. तो गाइज, हमारी वॉल्ट वॉश का कार्यक्रम हो गया है डन. अभी सेटिंग सारी करनी है, सेटिंग अभी हुई नहीं है. तो हमारा ये बाहर का वाइट वॉश का कार्यक्रम भी हो गया है, अभी ये साफ साफ हो गया है. यहाँ का कलर चेंज होने से यहाँ के लाइट पे इफेक्ट पड़ गया है. वाइट था तो यहाँ लाइट बहुत अच्छी लगती थी, अब लाइट कम लग रही है यहाँ की. और रात भी हो ही रही है, 6:30 बजे कितना अंधेरा हो गया है. तो गाइज, रात के 9 बज चुके हैं, 9 नहीं ऑलमोस्ट, हाँ 9:15 के करीब हो चुके हैं. और मेरा सब काम डन हो चुका है, मैंने डिनर वगैरह सब करा दिया है. और बस अब मैं फ़िलहाल रूम में आई हूँ, किचन क्लोज, ढाबा क्लोज. बस आशी का दूध का रह जाएगा, वो तो वैसे भी सोते वक्त लेती है. और कभी भी रूम में आओ ना, इतनी तबाही मुझे मिलती है ना रूम के अंदर, कि आके फिर सेट होती है. देखो आशी यहाँ बैठी होगी, पहले पूरा घर फैला रखा होता है. अभी आके पहले यहाँ सही करो, तब काम शुरू करो, ऐसे ही है. अभी आपने देखा भी होगा वीडियो में कि मैडम आज शाम को बाहर पूरा लगी पड़ी है खेलने में. तो जब घर में सब आ जाते हैं ना, उसको भी अच्छा लगता है. तो हॉल में ही आज खेल रही थी अपने बेबी से इधर उधर. उसको भी बचपन से आदत है कि कोई बड़े लोग रहें आस पास ना, शुरू से रही भी यहाँ पर काफ़ी है, दादा दादी के यहाँ पे, नाना नानी के यहाँ. बीच बीच में जाते हैं हम नोएडा, वैसे भी होता है ना, जैसे थोड़ा सा वीज़ा लगा है फॉर अ टाइम बीइंग टाइप वाला रहा है हमारा नोएडा. तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम बहुत लंबे टाइम पीरियड ले रहे हैं. जब से आज हुई है स्पेशली, तब से तो खैर है ही, तो अच्छा है चलो बच्चे के लिए. तो जी, आज के व्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड. आज का दिन हुआ समाप्त, अब हम करेंगे अपने व्लॉग पे काम एज यूजुअल. रोज का डेली रूटीन वो ख़त्म करके ही सोना होता है मुझे, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे के लिए उस चीज़ को नहीं रखना चाहती अपने लिए. तो अब आपसे मिलेंगे हम कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, और अपने 12th व्लॉग के साथ आई सपोज. तो देखते हैं कितने दिन हमारा चैलेंज भी चलता है. तब तक आप मेरे वीडियोस को अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपना सब ध्यान रखिए. टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स.